भारतीय सेना की ताकत क्या होती है इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जगन्नाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर.आर. राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी, ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ न कभी रुका है न कभी झुका है, यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले के सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में असंख्य बलिदान देकर हमने यह आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में
हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, नए हथियार नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें वो रिटायर हो जाए तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी, ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे, यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয় রাজ্য দেশ দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি24 ঘন্টা অ্যাপ, এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।